हेलो गाइस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो जेवर सिटी का मैंने एक ऐड रन किया है ये फेसबुक पे, जो कि मैंने फेसबुक पे रन किया था ऐड, तो काफ़ी अच्छा इस पर लीड्स हमने जनरेट किए, जो कि 25 लीड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हमने टोटल स्पेंड 500 रुपये किए हैं, 500 रुपये में आपको यहाँ 25 लीड मिल जाती है। काफ़ी अच्छा आपको ये देखने को मिल जा रहा है। मैं कैंपेन में ले जाकर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो रीच गया है लोगों तक वो 4000 गया है, इम्प्रेशन जो आपको देखने को मिलता है 4600 गया है। एक कॉल का आपको 18 रुपये यहाँ पे चार्जेस कटे हैं एक कॉल करने पे। यहाँ पे 470 रुपये टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारा इन्वेस्ट हुआ है, और यहाँ पे हमने इसको लगाया था 4 नवंबर को, ठीक है, 4 दिन के लिए, ठीक है, हमने अभी इसको बंद कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटेड लिख चुका है, क्योंकि हमारा ऐड जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक और ऐड क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अब इस बार पोस्टर नहीं, इस बार हम लोग वीडियो लगाएंगे। आपसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वीडियो लगा जाओ पोस्टर लगाओ, बात सेम ही है। आप आगे चल कर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रैफिक लाने के लिए सबसे पहले आपको लीड लाना है। तो लीड लाने के लिए आपको लीड पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसे कट कर देता हूँ। मैनुअल लीड कैंपेन आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप मैनुअल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे मैनुअल करके, तो आपके सामने आपके तरीके से ऐड सेटअप होगा। आपको मैनुअल नहीं करे हुए तो वो आपको आपके तरीके से यहाँ पे ऐड सेटअप नहीं होगा, वो गूगल की तरफ से जो फेसबुक है उसके अकॉर्डिंग ऐड क्रिएट हो जाएगा, तो आपको नुकसान देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे करना है प्लॉट फॉर सेल, ठीक है। ये हम एक अपना एड कैंपेन का नेम डाल रहे हैं, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। फिर हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी में सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट का है, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आप लीड्स लाना है, या हाउस के लिए लाना है, प्लॉट बेचना है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जो भी हो आप, टेलीग्राम एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, एंटरप्रेन्योर, जो भी आप उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं हाउसिंग पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारा प्लॉट है। उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्री अपना सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री में आप रहते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंपेन का डिटेल है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद इस पे आपको कोई ऑप्शंस कुछ नहीं करने होते हैं, बस एज इट इज आपको रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, मैं से कट करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉल का ऑप्शन देखना है, कोई फॉर्म नहीं, कुछ मैसेज नहीं, यहाँ पे मैसेंजर नहीं, इंस्टेंट आपको मैसेंजर पे मैसेज नहीं करना, एप्लीकेशन पे नहीं बुलाना है, डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे भी नहीं बुलाना। अगर वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो तो वेबसाइट पे ले जा सकते हो, नहीं तो आपको कॉल, मांगा कॉल का एक ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक करके, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे आता है वो, कॉल पे हमको क्लिक करके रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी जो आपको देखने को मिलता है, फेसबुक पेज आपको अपना पेज होना चाहिए, तभी ये ऐड क्रिएट होगा आपके फेसबुक ऐड से, ठीक है। फेसबुक ऐड्स में जाकर के आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ये शो कहाँ करता है फेसबुक में, वो चीज़ भी आपको मैं लास्ट में दिखाता रहूँगा, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से आपके जल्दी के लिए मैंने ये ऐसे स्टार्टिंग से ऐसे ही शो कर दिया, ठीक है। तो आपको देखने को मिल गया दिल्ली NCR प्रॉपर्टी ग्रुप मेरा पेज है, आप भी अपना पेज क्रिएट कर लेना। पेज कैसे क्रिएट करना है अगर नहीं मालूम है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप डेली बजट क्या लगाना चाहते हो, तो कम से कम डेली बजट 200 रुपये रखना आप लोग। डेट आज से शुरू करेंगे, जो हमारा इन डेट है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ 8 तारीख के है, मैं 11 तारीख तक तो चला देता हूँ, ठीक है, 3 दिन का। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको लोकेशन, आपको ऐड कहाँ रन करने हैं वो लोकेशन आपको यहाँ पे टाइप करने हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लोकेशन को टाइप कर देते हैं। तो सपोज हम अपना लोकेशन टाइप करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप अगर लोकेशन टाइप करना चाहते हो तो लोकेशन टाइप करना, नहीं चाहते करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसे कट कर देते हैं। फिर हम यहाँ नीचे आएंगे, आप कितने से कितने एज को दिखाना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पे 24 साल से लेकर के 60 साल के लोगों को दिखाना चाहूँगा, उससे ज़्यादा के लोगों को मुझे नहीं दिखाना है। आप मेन वोमेन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अकेला भी सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज ऑल रहने देना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लेसमेंट, यहाँ पे देखने को मिलता है ये, तो आपको मैनुअल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैनुअल जैसे ही होगा तो आपके बाद क्या होगा ना, एडवांटेज प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि रिकमेंड करता है बहुत सारे, इंस्टा पे भी रिकमेंड कर देगा, नहीं तो इसी के लिए आपको इंस्टा से हटा देना है, हमको इंस्टा चलाना ही नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर रन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फेसबुक में आपको कहाँ कहाँ रन करना है। तो आपको फेसबुक में कहाँ कहाँ रन करना है, तो यहाँ फीड पे रन करेंगे, स्टोरी में रन करेंगे, तो हम स्टोरी में और रील्स में नहीं रन करना है मुझे, ठीक है। मैं उसको यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से चेकआउट कर देख सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक जो था वो हट चुका है। अभी यहाँ पे आपको देखने को मैं सर्च रिजल्ट में भी हमें नहीं शो करना है, क्योंकि हमारा जो है वीडियो है, तो सर्च रिजल्ट में वो नहीं शो करेगा अच्छे से, ठीक है। या फिर हम सर्च रिजल्ट में रहने देते हैं, सर्च रिजल्ट में रहने देते हैं, स्टोरी और रील्स से हटा दिए, फीड पे रहने देंगे, ठीक है, फीड पे हमारा शो करना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और साइट्स वगैरह हैं इनसे हटा देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कितने रीच, मतलब 9000 लोगों तक अप्रोक्स ये जा सकता है आपका, पर डे के हिसाब से बता रहे हैं हम।
और यहाँ पे हम कॉल आ जाएंगे 10 पर डे। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस जो होता है यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वापस से। फिर यहाँ पे आपको ऐड नेम लिखना होता है तो वही लिख सकते हैं, प्लॉट फॉर सेल, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं रन करना तो ज़्यादा बेटर है, हम तो नहीं करते हैं। फिर उसका सिंगल वीडियो इमेजेस वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। आपको ऐड मीडिया का ऑप्शन आता है, ऐड मीडिया पर जा करके यहाँ से मैं आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो, वीडियो भी। मैं वीडियो पर करूँगा, वीडियो में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा भी एक वीडियो है पहले से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ। तो ये हमारा जो वीडियो है यहाँ पे प्लेस हो चुका है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ टेक्स्ट, सपोज यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, क्या आप ये प्राइमरी टेक्स्ट में क्या होता है ना कि वीडियो जो है ना, वीडियो ये वीडियो हो गया मान लो, उसके ऊपर में लिखा हुआ रहा है, ठीक है। सी मोर पे क्लिक करके और भी पढ़ सकता है डिटेल में। फिर आपको हेडलाइन, हेडलाइन में वो क्या करना है तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो जहाँ पे आपका प्लॉट है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेवर सिटी न्यू प्लॉट फॉर सेल, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से लिख देना, कॉल डिस्क्रिप्शन है जो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे अपना कॉल डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे नंबर टाइप कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे पब्लिश का ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ प्राइमरी टेक्स्ट में लिख दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर सामने शो कर रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको जो हेडलाइन है वो आपको सिंगल लाइन का होना चाहिए, और यहाँ पे कॉल डिस्क्रिप्शन है जो कि पूरा भर देना आप अच्छे से इस तरीके से। यही चीज़ मैंने ऊपर भी पेस्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉल का जो ऑप्शन है वो मैंने टाइप कर दिया अपने नंबर, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर दिया है, मैंने टिक कर दिया जिससे कि मैं कॉल रिसीव कर पाऊंगा, तो इसके लिए मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपने कॉल रिसीव नहीं किया है, ठीक है। फिर इस तरीके का आपको सामने शो कर देगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पब्लिश का ऑप्शन आता है, मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, ये हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे पब्लिश होने लगा। 1 of 3 मतलब हमारा तीन जगह हमने प्लेस किया है, फीड पे, सर्च में, तो सब जगह है वो अपना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत करें, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो बैक करके, इन सब पे क्लिक कर करके, या आप यहाँ से बैक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस पर रहने देना है, इस सब कुछ नहीं करना है क्योंकि आपका आप यहाँ पे ऐड रन हो चुका है। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे ऐड रन हो चुका है, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू लीड्स ऐड सेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इन डेट 11 तारीख को है, देख सकते हो शेड्यूल मैंने किया है इस तरीके का, और यहाँ पे 11 तारीख तक चलेगा, 3 दिन का है, ठीक है। अभी ये हमारा न्यू लीड्स एड सेट का ऑप्शन शो कर रहा है, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आप लोग कभी भी ऐड लगाना तो उसके बाद आप रिफ्रेश करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐड होते हैं, तो कभी क्या होता है ऊपर नहीं हो जाता, जिसकी वजह से कभी कभी यहाँ पे आपका जो ऐड है वो गलती से बाई मिस्टेक आपका बंद भी हो जाएगा, आप ध्यान नहीं दोगे तो बंद भी हो सकता है, तो उसके वजह से आपका ऐड क्रिएट नहीं होगा। आप गूगल एड्स पर भी अगर रन करना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं आपको वहाँ पर भी ऐड रन करके दिखा दूँगा। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मैं गूगल एड्स में लेकर क्या क्या हूँ, मैं गूगल एड्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो एक मैंने एक ऐड कैंपेन रन किया था, जो कि 51K मतलब 50,000 तक यहाँ पे आपको इंप्रेशन चला गया था, और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ गए थे, और CPV बहुत ही कम लगा था, 10 पैसे के आसपास लगा था यहाँ पे। आप लोग भी अगर इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप इस पर भी रन कर सकते हो, गूगल एडसेंस के ऊपर भी आप कैंपेन रन कर सकते हो। मैं इसे कट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो कि हमारा ऐड है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है एक्टिव हो चुका है, पहले रिव्यू में था, अभी यहाँ पे एक्टिव हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं फेसबुक पर ले जाएगा कि आपको यहाँ तक आना कैसे है। तो फेसबुक पर सिंपली आपको फेसबुक ऑन करना है, अपने डेस्कटॉप मोड पर ऑन कर लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन से भी करना चाहते हैं तो। उसके बाद आप अपने यहाँ से ऐड मैनेजर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप वहीं पर आ जाओगे जहाँ पर मैं आपका ऐड मैनेजर कैंपेन रन किया है क्रिएट करके। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे भी अच्छा खासा कैंपेन रन कर सकते हो, और आप इजीली बहुत ही कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा लीड लेके आके आ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने मिलता है मेरा ऐड यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, देख सकते हो। तो प्लॉट फॉर सेल यहाँ पे आपको और दिखा दूँ मैं, यहाँ पे आप इधर स्लाइड करोगे ना, यहाँ पे ये चीज़ है, इसको स्लाइड करेंगे हम लोग इस साइड को, और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में दिख जाएगा कि आपका जो ऐड है कब से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। तो यहाँ पे आपको 11 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, 11 नंबर होगी, 8 से मैं 11 तारीख का लगाया हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको कैंपेन को रन कर सकते हो, काफ़ी अच्छा अर्न भी कर सकते हो इससे पैसा। तो ठीक है, आप यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हो, अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और